बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लास क्लासे में स्वागत है बच्चों आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा नौवीं का है और विषय क्या है आपका विषय गणित के सत्र के लिए सत्र दो हजार तेईस चौबीस और यह आपकी विद्यार्थी कार्यपुस्तिका है इसमें आज हम आपको भिन्न का कार्यपत्रक नौ बताएंगे और इस कार्यपुस्तिका को समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है किस सत्र के लिए सत्र दो हजार तेईस चौबीस चलिए देखते हैं कार्यपत्रक नौ किसका भिन्न का कार्यपत्रक नौ करेंगे हम आज भिन्नों को कैसे योग करना है भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं समान हर वाली भिन्न को असमान हर वाली तो किस प्रकार से हल करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे इसका प्रश्न नंबर एक को पढ़िए क्या कह रहा है निम्न भिन्नों का योग ज्ञात कीजिए जो आपका ये भिन्न दिया एक बटे तीन धन दो बटे तीन इसका क्या ज्ञात करना है आपको योग ज्ञात करना है और हर समान होने पर और जिनके हर क्या होंगे समान होंगे हर समान होने पर भिन्नों को क्या करना है आपको योग ज्ञात करना है जैसे भिन्न कौन सा हुआ एक बटा तीन जो भागित हर होता है वह क्या कहलाता है भिन्न कहलाता है और यहाँ पे धान के रूप में एक प्रश्न दिया हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है एक बटे तीन धन दो बटे तीन तो इसका क्या करना है हमें योग करना है तो यहाँ पे देखिए इसके हर कैसे हैं समान है ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है अंश कहलाती है और नीचे संख्या क्या कहलाती है हर कहलाती है तो यहाँ एक बटे तीन धन दो बटे तीन तो इसका हर समान है तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा और अंश जैसा का वैसा आएगा एक धन दो एक में दो जोड़े कितना हो गया तीन तीन बटे तीन तीन का भाग तीन में दिए कितना आ गया एक तो इस प्रकार से आपको ये उदाहरण दिया था इस प्रकार से आपको अन्य प्रश्नों को भी हल करना है जैसे इसका प्रश्न नंबर एक दिया है प्रश्न नंबर एक दिया इसमें क्या दिया देखिए तीन बटे चार धन एक बटे चार भिन्न तीन बटे चार में भिन्न एक बटे चार का योग कीजिए आप हल लिख देंगे हल लिखने के बाद इसको हल करेंगे देखिए कैसे हल करेंगे तीन बटे चार दिया है, धन एक बटे चार इसके हर कैसे हैं समान है तो इसका लघुत्तम क्या जाएगा? Чер आ जाएगा चार आ जाएगा लघुत्तम कितना आ गया आपका यहाँ पर चार आ गया और अंश तीन धन एक हो जाएगा अंश क्या हो जाएगा तीन धन एक अब तीन में एक जोड़ो कितना हो गया चार भागित चार अब क्या करेंगे आप यहाँ पे चार का भाग चार में देंगे कितने बार जाएगा एक बार जाएगा इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया आपका एक हो गया तो आपका प्रश्न क्रमांक एक कंप्लीट होता है फिर सेकंड प्रश्न देखो इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे यहाँ पे बराबर लगा दीजिए क्या कह रहा है भिन्नों का योग करना है आपको हर समान होने पर तो अब इस देखिए इसके हर समान है क्या यहाँ पर पाँच बटे दो भिन्न है और ये तीन बटे दो इनका योग करना है इनके हर क्या है दो और दो हर समान है तो इसका लघुत्तम क्या आ गया दो आ गया लघुत्तम और अंश को जोड़ दीजिए पाँच में तीन को जोड़ दीजिए पाँच धन तीन जोड़े कितना हो गया आठ पांच में तीन जोड़े कितना आ गया आठ आठ भागित दो अब दो का भाग किस में दे दीजिए आठ में दो का पहाड़ ऐसा पढ़िए कि आठ से न बढ़े दो चौके आठ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये चार आ गया आपका इस प्रकार से प्रश्न नंबर दो का उत्तर क्या हो जाएगा चार यानी पांच बटे दो भिन्न में तीन बटे दो को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको चार प्राप्त होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए इसका इसको भी आप चार बटे तीन धन दो बटे तीन हर समान है तो लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका तीन और अंश जैसा का वैसा जुड़ जाएगा चार धन दो अब चार में दो जोड़िए कितना आ जाएगा छः छः भागित कितना हो जाएगा ये आपका तीन और तीन का भाग छः में देंगे कितना आ जाएगा तीन दूनी छः दो बार जाएगा तीन का भाग छः में कितने बार जाएगा दो बार तो जब चार बटे तीन, भिन्न में दो बटे तीन भिन्न को जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ हमें दो प्राप्त हुआ इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा है इसमें चौथा प्रश्न दिया है एक चार बटे पाँच धन एक बटे पाँच अब इसको भी हम क्या करेंगे ये चार बटे पाँच और एक बटे पाँच क्या भिन्न है इनका योग करेंगे इनके हर कैसे हैं समान है क्या देख लीजिए हाँ इसमें पाँच है यहाँ पे पाँच है तो हर समान है तो लघुत्तम क्या आ गया आपका पाँच ऊपर चार धन एक अंश को जैसा का वैसा जोड़ देंगे चार धन एक चार में एक जोड़े कितना आ गया हमारा यहाँ पे पाँच भागित पाँच पाँच का भाग किस देंगे पाँच में देंगे कितने बार जाएगा एक बार आएगा तो ये इसका आंसर आ गया ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया आंसर लिख देंगे तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर चार कंप्लीट हुआ नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर पाँच प्रश्न नंबर पाँच को कैसे हल करेंगे इसके भी हर कैसे हैं समान है तो लघुत्तम क्या हो गया छः हो गया और ऊपर अंश को जोड़ देंगे साथ में पाँच को जोड़ देंगे अब सात में पाँच जोड़िए साथ में पाँच जोड़ेंगे कितना आएगा बारह आएगा अब बारह में किसका भाग दे देंगे आप छः का भाग देंगे छः दूनी बारह तो कितना आ गया ये आपका दो आ गया तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर पाँच आप चाहो तो आप नीचे आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर छः क्या दिया है इसका तीन बटे पाँच धन सात बटे पाँच भिन्न कौन सा है तीन बटे पाँच धन सात बटे पाँच इसके हर समान है देखिए हर समान है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका पाँच आ जाएगा यहाँ पर क्या लिख देंगे आप पाँच लिख दिए यहाँ पर पाँच लिख दी हमने फिर ऊपर क्या आ जाएगा तीन धन सात तो ऊपर क्या लिख देंगे तीन धन सात अब तीन में सात जोड़िए कितना होगा दस तो बराबर यहाँ पे क्या लिख दिया आपने भागित पाँच दस भागित पाँच लिख दी हमने ये अब पाँच का भाग किस में देंगे दस में देंगे एक कम पाँच पाँच दूनी दस कितने बार भाग जाएगा दो बार तो ये भागफल कितना आ गया इसका दो आ गया ये कम, पांच एक कम पाँच पाँच धूनी दस इस प्रकार से आप क्रॉस भी कर सकते और नहीं भी करेंगे तो भी आप सीधे आंसर लिख सकते हैं ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर छः कंप्लीट हुआ नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर दो दिया है प्रश्न नंबर दो में क्या दिया योगफल ज्ञात कीजिए हर असमान होने पर अभी तक हमने जो प्रश्न नंबर एक में हल किए थे उसमें हर समान थे अब क्या हो गया हर असमान है तो कैसे हल करना है असमान हर वाली भिन्नों को तो ये आपको इस उदाहरण के माध्यम से बताया है जैसे यहाँ पे दो बटे तीन धन एक बटे चार दिया है तो आप अब देखिए इसके हर असमान है यहाँ पे तीन है और इस यहाँ पे चार है तो इसके हर कैसे असमान है अब इन्हें कैसे हल करेंगे तो इन्हें हल करने के लिए इस प्रश्न के इस प्रकार के प्रश्नों को हर समान कर उन्हें हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसके हरों को समान करेंगे हरों को समान करने के लिए पहले हम भिन्नों को लिख दिए किस कौन से भिन्न को कौन से भिन्न में जोड़ना है दो बटे तीन धन एक बटे चार लिख दिए लिख दिए हमने ये ये प्रश्न को ही लिख दिए हमने ये ये लिखे अब बराबर लगाए अब देखिए यहाँ पे जो ये दो बटे तीन है तो दो बटे तीन पहले लिख दोगे और इसमें चार का गुणा तो किसके एक बटे चार का हर का गुणा करेंगे हर में क्या है चार तो दो बटे तीन में किसका गुणा कर दिए चार गुड़े चार फिर ये धन का चिन्ह आ गया आपका फिर ये आपका एक बटे चार में किसके दो बटे तीन का हर का गुणा कर देंगे दो बटे तीन का हर क्या है तीन तो एक बटे चार में तीन का गुणा कर दिया आंसर और हर दोनों में करना है अब गुणा कीजिए चार का दो में की चार दूनी आठ चारिया बारह तीन है कम तीन तीन चौके बारह अब इसके हर समान हो गए जब असमान थे तो उनके हरों को हमने क्या कर लिए समान कर लिए इसका हर बारह हो गया इसका हर भी बारह हो गया अब क्या करेंगे हर समान हो गए तो लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका बारह आ जाएगा और अंश जैसा का वैसा आठ धन तीन आठ धन तीन लिख दिए आठ में तीन जोड़े तो कितना हो गया ग्यारह बटे बारह इस प्रकार से आपको हर असमान होने पर इस प्रकार हल कर सकते हैं इन प्रश्नों को बिन्नों को चलिए इससे संबंधित अन्य प्रश्न आगे दिए हुए हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए आपका क्या दिया है दो बटा तीन धन एक बटा दो तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसके हर समान करेंगे हर समान करेंगे तो कैसे समान करेंगे देखिए बता रहे हैं आप. पहले आप दो बटे तीन को जैसा का वैसा लिख दीजिए लिख दिए अब इसके अंश और हर में जो एक बटे दो है इसके हर का गुड़ा कर देंगे दो का ऊपर भी गुड़ा कर देंगे आप और दो का नीचे भी दो बटे तीन के अंश और हर में किसका गुणा करेंगे जो एक बटे दो का हर है उस हर का गुणा कर दिए फिर बीच में का चिन्ह आ जाएगा आपका यहाँ पे धन फिर ये एक बटे दो को लिख दीजिए अब एक बटे दो के अंश और हर में किसका गुणा करेंगे जो दो बटे तीन है उसका जो हर है हर क्या है इसका तीन इस तीन का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे तीन का अंश में भी गुणा कर दीजिए और इसी तीन का हर में भी गुणा कर दीजिए अब गुणा करते हैं देखिए अब यहाँ पे आप दो का दो में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा चार तो ये चार लिख दिया हमने उसके बाद तीन का दो में गुणा की तीन दूनी छः फिर उसके बाद एक आय का चिन्ह आ, आ गया आपका धन का चिन्ह यहाँ धन लगा दिया आपने ये अब इसमें गुणा कीजिए तीन का एक में गुणा कीजिए कितना आ जाएगा तीन और तीन का दो में गुणा की तीन दूनी छः अब देखिए इसका हर समान हो गया क्या हाँ हा, हर समान हो गए अब इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा लघुत्तम से कितना आ जाएगा छः आ जाएगा और इसके अंश जुड़ जाएंगे चार धन चार धन कितना हो जाएगा यहाँ पे तीन हो जाएगा यहाँ पे धन का चिन्ह लगा देंगे आप चार धन तीन अब इस चार में तीन को जोड़ दीजिए चार में तीन जोड़े कितना हो गया सात भागित छ ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया ये क्या आ गया आंसर इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं इसी का सेकंड प्रश्न देखिए सेकंड प्रश्न कह दिया तीन बटे धन पाँच बटे दो भिन्न तीन बटे चार में भिन्न पांच बटे दो को क्या करना है योग करना या जोड़ना है तो बराबर हर लिख दीजिए बराबर चिन्ह लगाइए हमने ये तीन बटे चार लिख दीजिए आप जैसा का वैसा तीन भागे चार भी लिख दिए अब इसके क्या करना है आपको हर समान करना है तो जो पांच बटे दो का हर है दो उस दो का अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे गुणा किसके अंश और हर में तीन बटे चार के तो अब गुणा कर दिए फिर धन का चिन्ह लगा दिए धन फिर पांच बटे दो लिखिए अब इस पाँच बटे दो के अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे आप चार का ऐसा क्यों कर रहे हैं हम हर समान करने के लिए अब चार का गुणा करेंगे यहाँ पर ऊपर अंश में भी और हर में भी अब गुणा करते हैं चलिए गुणा करने पर क्या आएगा ये तीन का एक में गुणा की तो तीन कम तीन तीन कम तीन आ गया चार का दो में गुणा की चार दुनी आठ फिर ये चिन्ह का एक आ जाएगा बीच में धन का चिन्ह आ जाएगा धन अब पांच का चार गुणा की पांचों के बीस फिर दो का चार गुणा की दो चो आठ हमारी देखो प्रश्न को हल करने सब पहले, सब से पहले सबसे पहले हम देख लिए कि प्रश्न के जो भिन्न है दो भिन्नों को जोड़ना है तो उसके हर कैसे असमान हर है तो उनको क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा समान करने के लिए जो जिस भिन्न का ये तीन बटे चार है तो तीन बटे चार के अंश और हर में जो दूसरा भिन्न है उसके हर का गुणा कर देंगे जैसे इसमें हर दो है तो दो का दो अंश और हर में गुणा कर दिए इसी प्रकार पाँच बटे दो के अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे चार का तो इससे क्या हो जाएगा हमारे जो भिन्न के हर है वो समान हो जाएंगे अब यहाँ पे देखिए हर समान हो गए तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा हर समान है लघुत्तम आठ आ जाएगा और अंश जुड़ जाएंगे जैसे वैसे क्या हो जाएगा तीन धन बीच तीन धन बीस अब तीन में बीस जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा तेईस बीस में तीन जोड़े तो तेईस बटे आठ आ जाएगा आपका जो कि तेईस बटे आठ यह आंसर आ गया इसका ये आंसर आ गया तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर दो कंप्लीट होता है नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसी का प्रश्न नंबर तीन प्रश्न नंबर तीन क्या दिया हुआ है चार बटे तीन धन दो बटे पाँच तो इसके भी हर समान करना पड़ेगा तो पहले चार बटे तीन आप जैसा का वैसा लिख दीजिए क्या लिख दिया आपने यहाँ पे चार बटे तीन लिख दिए अब इसके अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे हम जो दो बटे पाँच है दो बटे पाँच के हर का कर गुणा करेंगे तो पाँच का ऊपर भी गुणा कर देंगे और पाँच का नीचे भी पाँच का ऊपर भी गुणा करेंगे हम और पाँच का कहाँ कर देंगे गुणा नीचे भी फिर बीच में काय का चिन्ह आ जाएगा ये धन का चिन्ह आ जाएगा क्या लिखेंगे दो बटे पाँच लिख देंगे अब दो बटे पाँच इस दो बटे पाँच के अंश और हर में किसका गुणा करेंगे जो चार बटे तीन का हर है तीन इस तीन का आंसर में गुड़ा कर दीजिए आप और तीन का हर में भी अब चलिए गुड़ा करते हैं चार का पाँचवा गुड़ा की चार का पाँचवा गुड़ा कि चार पंचे बीस कितना आ गया ये आपका बीस आ गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप बीस लिख दिए और तीन का पाँचों गुड़ा किए तीन पाँच पंद्रह फिर बीच में धन का चिन्ह आ जाएगा आपका ये दो का तीनवें गुड़ा कि दो तिया छः पाँच तिया पंद्रह हमने क्या कर लिया हर समान कर लिए असमान हाथ थे तो अब इसको आगे क्या करेंगे जोड़ देंगे दोनों भिन्नों को हर समान है तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा पंद्रह आ जाएगा लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका पंद्रह यहाँ पर पंद्रह लिख दिए और इसके जो अंश वो जैसे कि वैसे जोड़ जाएंगे बीस धन छः बीस में छः जोड़ दीजिए कितना हो गया छब्बीस बीस में छः जोड़े कितना हो गया ये छब्बीस बाघित पंद्रह इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर तीन कंप्लीट हुआ और असमान हर वाले भिन्नों को कैसे जोड़ना ये आपको बताते बता रहा है नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार इसमें भी आप क्या करेंगे इसके हर समान कर लेंगे क्योंकि इसके हर समान नहीं है सात बटे दो धन ग्यारह बटे तीन तो आप सात बटे दो लिख दीजिए पहले ये लिख दिए हमने सात बटे दो धन सॉरी सात बटे दो है तो इसके हर हर समान करना है तो इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे हम ग्यारह बटे तीन के हर का तीन का गुणा सात बटे दो में अंश में कर दिए हमने क्या है आपका तीन तीन बटा तीन तीन का गुणा सात बटे दो के अंश और हर दोनों में कर देंगे फिर धन का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे धन ग्यारह बटे तीन अब ग्यारह बटे तीन के भी अंश और हर में किसका गुणा करेंगे जो सात बटे दो है उसके हर का सात बटे दो का हर क्या है दो तो दो का अंश में भी गुणा कर दीजिए और हर में भी चलिए अब कर देते हैं सात का तीनों गुड़ा की सातरी इक्कीस hmm. और दो का तीनों गुड़ा किए दो ग्यारह का दो में गुणा की ग्यारह दूनी बाईस और तीन का दो में गुणा की तीन दूनी छः अब इसके हर समान हो गए हर समान हो गए तो अब इसे आसानी से हम जोड़ सकते हैं इसका योग कर सकते हैं तो इसका लघुतम क्या जाएगा हर समान है तो छः आ जाएगा और अंश की संख्या जुड़ जाएंगी जैसे इक्कीस धन बॉइस अब इक्कीस में बाईस को जोड़िए क्या जाएगा एक में दो जोड़े तीन दो में दो जोड़े चार कितना आ गया तैतालीस तैंतालीस भागित छः किसका प्रश्न नंबर चार का आंसर आ गया इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर पांच को हल कर सकते हैं छः को हल कर सकते हैं चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच को हल करके क्या दिया है बारह बटे पाँच धन तीन बटा चार अब इसे हल करेंगे तो पहले इसके हर समान कर लेंगे आप तो क्या करेंगे हर समान करने के लिए पहले आप बारह बटे पांच को जैसा का वैसा लिख दीजिए बारह बटे पांच को हमने जैसा का वैसा लिख दिया लिख दी हमने ये बारह बटे पांच अब इसके अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे जो तीन बटे चार का हर है उसका चार का ऊपर भी गुणा कर दीजिए अंश में और चार का हर में भी गुणा कर दीजिए चलिए गुणा कर देते हैं इसमें फिर इसके बाद क्या आ जाएगा धन का चिन्ह यहाँ पे किसका चिन्ह लगा देंगे आप धन फिर क्या है आपका ये तीन बटे चार इस तीन बटे चार में किसका गुणा कर देंगे बारह बटे पाँच के हर का बारह बटे पाँच का हर क्या है पाँच तो तीन बटे चार में हम किसका गुणा करेंगे तीन बटा चार में किसका गुणा कर देंगे पाँच का चलो पांच का गुणा करते हैं ऊपर अंश में पांच का गुड़ा और हर में भी पांच का गुणा करना है आपको अब बारह का चार में कीजिए तो बारह कितने बार पढ़ा पड़िए चार बार बारह चौके अड़तालीस उसके बाद पांचों के बीस धन तीन पांचे पंद्रह पांचों के बीस हर समान हो गए दोनों के हर क्या हो गए बीस बीस हो गए अब इसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बीस आ जाएगा क्या आ जाएगा ये इसका लघुत्तम बीस और ऊपर संख्या जैसी की वैसी आ जाएगी अड़तालीस अड़तालीस धन पंद्रह अड़तालीस धन पंद्रह आ गया, गया ये आपका अब अड़तालीस से पंद्रह को जोड़ लिए आठ में पाँच जोड़े आठ पाँच तेरह की तीन हासिल का एक आ जाएगा फिर क्या करेंगे चार और एक पांच और एक छठ भागित बीस तो इस प्रकार एक तिरसठ भागित किया गया बीस और ये पांचवें प्रश्न का हल हो गया हो गया कंफर्म ये आपका प्रश्न नंबर पांच कंप्लीट इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर छः को करना है इसमें भी देखिए तीन बटे चार में पाँच नौ बटे पाँच को जोड़ना है क्या इसके हर समान है क्या नहीं है तो इसके हर समान करने के लिए अभी तक हमने जितने प्रश्न किए उसी प्रकार से भी हल करेंगे तीन बटे चार को आप जैसा का वैसा लिख दीजिए क्या लिख दीजिए तीन बटा चार लिख दीजिए इसमें किसका गुणा कर देंगे पाँच का अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी कौन से पाँच का नौ बटे पाँच का जो हर है पाँच उसका गुणा करेंगे चलो पाँच का ऊपर ही गुणा कर दी पाँच भागी पाँच अंश और हर दोनों में गुणा कर दिए धन नौ बटा पांच इसके आंसर में भी किसका गुणा करेंगे चार का और हर में भी किसका गुणा कर देंगे आप चार का चलो गुणा करके देखते हैं इसमें हम यहाँ पे बराबर लगा लीजिए तीन का पांचों गुड़ा किए तीन पांचे पंद्रह और जब चार का पांचों गुणा किया तो कितना आ गया बीस फिर बीच में धन का चेन नौ बीस तो आ जाएगा ये आ गया अब पंद्रह में छत्तीस को जोड़ेंगे पहले इकाई के अंक को जोड़ लेते पांच में छह जोड़े ग्यारह की एक हासिल की एक तीन और एक चार और एक पांच कितना हो गया इक्यावन इक्कावन बैठे बीस इसका क्या हो गया ये आंसर आ गया इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं हमने यहाँ डायरेक्ट जोड़ के बता दिया आप इस प्रकार की लाइन लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ क्या किए इसको डायरेक्ट कर दिए थे आप इसे थोड़ा इस प्रकार से लिख सकते हैं इस प्रकार से हल करना है इसका लघुत्तम कितना आ गया 20 आ गया यहाँ बीस लिख दिए और अंश को जोड़ दीजिए पंद्रह धन छत्तीस अब जोड़ लीजिए छः में पाँच जोड़े ग्यारह की एक हासिल की एक तीन और एक चार और एक पाँच तो कितना आ गया ये इक्यावन बीस इस प्रकार से प्रश्न नंबर छः यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है इस प्रश्न के साथ आपका जो कार्यपत्रक कौन सा था भिन्न का कार्यपत्रक नौ कंप्लीट होता है जिसमें समान हर वाली संख्याओं का और असमान हर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ना है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया यदि आपको हमारे द्वारा जो भिन्नों को जोड़ना आ, हर जोड़ना बताए ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए